चलिए अब बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, तो चलिए हमने तैयारी कर लिए हैं। यहाँ पे 4 मीडियम साइज प्याज हमने ले लिए, 4 हरी मिर्च, लहसुन और 200 ग्राम पनीर है। तो सबसे पहले हम प्याज को, लहसुन को, हरी मिर्च को पीस लेते हैं अच्छी तरह मिक्सी जार में। हमें यहाँ पे 3 मीडियम साइज टमाटर ले लिया है, इसको भी मिक्सी में पीस लेंगे। हमें यहाँ पे गैस मीडियम लो पे करके पराठे डालने हैं, अच्छे और रखने हैं। ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तब तक हम पनीर को बड़े बड़े स्लाइस में काट सकते हैं, या आप चाहें तो छोटे भी स्लाइस में काट सकते हैं। इस तरह काटी है पनीर को हमने। कढ़ाई में तेल गर्म है, इसमें एक तेज पत्ता रखते हैं हम, 1 चम्मच जीरा, इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, इसमें अब प्याज लहसुन का पेस्ट रखते हैं हम। प्याज लहसुन हमने पीस लिया अच्छी तरह, और मिर्ची अब इसमें डाल देते हैं। मिर्ची 1 चम्मच रख रहे हैं, ये हरी मिर्च भी हमने रखे हुए हैं, और 1 चम्मच के लिए धनिया पाउडर रख दिए हैं। और इसको भूनेंगे, हाई फ्लेम पे चलाते रहेंगे। मैं ज़्यादा हम सारा अपने प्याज
गैस के फ्लेम हम बंद करते हैं।